इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक जाना माना शोरूम बिगॉस है। आरआर केबल सिंस 1986 ने बिगॉस नाम से अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काफी सारे फीचर्स देकर इसे ड्रीम ई स्कूटर बना दिया है, जो किसी भी टू व्हीलर राइडर खास करके फैमिलीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। इस BG D15 मॉडल में आपको मिलेंगी 36,000 किलोमीटर या 3 साल की वारंटी, जिसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये एक चार्ज में 115 किलोमीटर चलेगा, जिसका खर्च सिर्फ ₹30 आता है। फुल मेटल बॉडी, बिग एंड स्पेशियस सीट, 16-inch एलॉय व्हील्स, 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, IP67 वाटरप्रूफ बैटरी, जिसे आप अपने घर पर भी चार्ज कर सकते हैं, GPS सिस्टम जैसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। ये मेड इन इंडिया ई स्कूटर है। भिवंडी के IGM हॉस्पिटल के करीब रहने वाली एक महिला पर उसके पति ने किया जानलेवा हमला। बताया जा रहा है कि महिला का पति उस पर शक किया करता था और उसके चलते रात में सोते वक्त आरोपी ने महिला के गले पर ब्लेड से हमला किया और जान से मारने की कोशिश की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज किया है। विक्रोली में एक फ्लैट से दो लोगों की लाश मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस जानकारी के मुताबिक इस घर में 22 साल लड़की की लाश पंखे से लटकते मिली और उस युवक की मां की लाश बेडरूम से बरामद हुई। मृतक महिला का पति महिला और बेटे से मिलने आया था, लेकिन काफी देर तक डोरबेल बजाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला, तब पुलिस को जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि दोनों की मौत 48 घंटों पहले ही हो चुकी है, हालांकि अब भी इस मामले की जांच जारी है। गोवंडी में चार दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त की हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक पीड़ित अपनी सालगिरह के लिए कई दिनों से पैसे इकट्ठे कर रहा था और उसके पास ₹10,000 जमा हो गए थे। तभी पीड़ित के दोस्तों ने उसे वो पैसे खर्च करने के लिए उकसाया और कहा कि सालगिरह आने पर वो सब उसे उसका पैसा लौटा देंगे। लेकिन सालगिरह करीब आने पर जब पीड़ित युवक ने अपने पैसे वापस मांगे तो चारों आरोपियों ने उसे मारा पीटा, यहां तक चाकू घोंप कर मौत के घाट उतार दिया। भिवंडी महानगर पालिका की आर्थिक तंगी के कारण शहर में विकास के कामों पर लगी रोक। कॉरपोरेशन प्रशासक व आयुक्त विजय कुमार महसाल ने सभी विभागों के जिम्मेदारों को सूचना जारी की है कि टैक्स वसूली ना होने की वजह से कॉरपोरेशन आर्थिक तंगी का शिकार है, इसलिए बहुत जरूरी होने पर ही विकास के काम किए जाएं, वरना सिर्फ मरम्मत के काम ही किए जाएं। भिवंडी में पिछले दिनों अलग अलग मामलों में लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक नारपोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक गोदाम से एप्पल कंपनी के 2 लाख से भी ज्यादा रुपए कीमत के मोबाइल चोरी किए गए। इसी तरह दूसरे मामलों में 2 मुख्तलिफ जगहों से वाहन चोरी को अंजाम दिया गया। इन सभी मामलों की तहकीकात अब भी जारी है। थाने क्राइम ब्रांच के भिवंडी शाखा टीम ने 3 लोगों को आज हवालात भेजा। इन तीनों पर आरोप है कि ये लोग पैसे डबल करने का झांसा देकर लोगों को लूटते थे और इसी तरह का मामला नारबोली पुलिस स्टेशन में भी दर्ज किया गया था, जिसमें इन तीनों ने 12 लाख रुपए का फ्रॉड एक शख्स के साथ किया था। भिवंडी में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। बाजार पेट में एक दुकानदार के साथ भी इसी तरह का मामला पेश आया है, जिसमें आरोपी ने दुकानदार को कॉल कर खुद को कुरियर सर्विस से बताया और कहा कि एड्रेस प्रॉपर ना होने की वजह से आपका पार्सल नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके बाद उस शख्स ने लिंक भेजी और लिंक क्लिक करते ही बैंक से 1 लाख रुपए चोरी कर लिए। थाने के उपवन इलाके में एक कार ने स्ट्रीट पर चल रहे 40 साल शख्स को टक्कर मार दी, जिसमें शख्स की मौत हो गई। पुलिस जानकारी के मुताबिक कार चालक 18 साल का एक युवक था, जो हादसे के बाद फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे ट्रैक डाउन कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन अब भी की जा रही है। भिवंडी के आसबीबी स्थित रहने वाले एक शख्स के खिलाफ कॉरपोरेशन में अवैध दरवाजा लगाने का मामला दर्ज किया गया था, जिससे नाराज होकर आरोपी ने शिकायतकर्ता की लूम कारखाने के मार के डंडे से पिटाई की और उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसके बाद आरोपी पर मामला दर्ज किया गया और FIR होते ही आरोपी फरार हो गया। भिवंडी महानगर पालिका द्वारा शहर में धोखाधड़ी की इमारतों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए, जिसके बाद ऐसी इमारतों को नोटिस भी जारी किया गया था और आज चौहान कॉलोनी में मौजूद 3 धोखाधड़ी बिल्डिंग्स के पानी और पावर कनेक्शंस काट दिए गए और वहां रह रहे 100 परिवार के लोगों को बिल्डिंग खाली करने के आदेश दिए गए। अगले कुछ दिनों में इन इमारतों पर तोड़ा कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन इन इमारतों में रह रहे 100 परिवार के लोग अब बेघर हो चुके हैं, जिस वजह से यहाँ काफी परेशानी भरा माहौल देखा जा रहा है। आपको हमारी टॉप न्यूज़ टुडे कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें।
अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।